कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के गटरियन पुरवा में नाली खोदने के विवाद में दो पड़ोसियों में मारपीट हो गई। इस दौरान पड़ोसी युवाओं ने एक बुजुर्ग की जमकर पिटाई करने के बाद सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके चलते अस्पताल ले जाते वक्त बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद सभी आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी है। जी हां, आपको बताते चलें कि पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के गटरियन पुरवा इलाके का है, जहां रहने वाले रामपाल अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले बीनू पाल, भरत पाल, बैजनाथ पाल, दिनेश पाल और ब्रजेश पाल का घर है। गली में नाली का सरकारी निर्माण कार्य हो रहा था, जिसमें रामपाल और बीनूपाल की नाली खोदने और चबूतरा तोड़ने में बहस होने लगी, मगर इसी दौरान दोनों तरफ से गाली गलौज शुरू हो गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक देखते ही देखते बीनूपाल के पूरे परिवार ने मिलकर रामपाल पर हमला बोल दिया और बुजुर्ग की जमकर लात घूसों से और पत्थर से सिर पर हमला कर दिया, जिसके चलते बुजुर्ग जमीन पर मदहोश होकर गिर पड़े। जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने पास के निजी अस्पताल में बुजुर्ग को ले गए, जहां डॉक्टरों ने कार्डियोलॉजी के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही बुजुर्ग की मौत हो गई। मगर इसी दौरान मारपीट करने वाले सभी आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। मृतक की बेटियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना पर एसीपी गोविंद नगर विकास पांडे ने बताया है कि पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। क्या मामला हुआ, क्या करता है? ये मोहल्ला गड़ेरियनपुरा थाना क्षेत्र नौबस्ता में श्री रामपाल, उम्र 62 वर्ष है। ये सरकारी जो है नाली का ठीका है, नाली के चौड़ीकरण करने को आपस में मोहल्ले के ही कुछ लोगों से विवाद हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया जो है उनके परिवार के जो द्वारा बताया जा रहा है कि बीनू पाल करके है कोई, जिसने शायद ईंटा मार दिया जिसके कारण उनको चोट आ गई। परिवार इनको लेके जो है इलाज के लिए कोई पहले यहीं पर आमोद अस्पताल ले गया, जहाँ से उसको मतलब आगे के लिए रेफर किया गया और कार्डियोलॉजी ले जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। मौके पे जो है पुलिस मौजूद है, इनसे तहरीर के लिए बताया गया है। थाने पे इनके परिवारी जन गए हैं तहरीर देने के लिए और बॉडी को जो है पंचायतनामा के तक जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए। पूरे मामले में कितने लोग हैं अभी जो है? ये प्रथम दृष्टि एक नाम बीनू पाल का नाम ही बता रहे हैं, बाकी आस पड़ोस के कुछ लोगों का है, लेकिन जो लिखित अभी इन्होंने जो तहरीर नहीं दी है, तहरीर के लिए थाने पर गए।